कि गुणाकर मूल्य सम्मान के बारे में, तो उससे पूर्व हम गुणाकर मूल्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था वर्तमान महाराष्ट्र की अमरावती में। कहाँ? अमरावती, महाराष्ट्र। इन्होंने अपने जो कॉलेज किया वो कहाँ से किया? इलाहाबाद से किया। और इन्हें प्रसिद्धि इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने हिंदी में जितनी भी पुस्तकें लिखी वो सब विज्ञान और तकनीक पर आधारित थी, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मनी के महान वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से तो आप सभी परिचित होंगे, केपलर, अंकों की कहानी, ये सभी इनके पुस्तकों के नाम हैं। अंतरिक्ष दर्शन, इस और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, सब विज्ञान और तकनीक से संबंधित थी। इसलिए इस सम्मान का अभी जब हम क्षेत्र पढ़ें किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिर हमें समझ में आएगा कि यह नाम क्यों दिया गया। अभी देखिए, यह इनकी पुस्तकें थी, ये हो गया गुणाकर मूल्य के बारे में। अब जानते हैं हम सम्मान के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं सब कि सन 2015 में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 5 राष्ट्रीय स्तरीय सम्मानों की स्थापना की गई या पुरस्कारों की स्थापना की गई। कितने? 5। जिन सबकी राशि कितनी रखी गई? 1 लाख रुपए। और वो 5 सम्मान कौन कौन से थे देखते हैं। एस, एन, एफ, जी और एच। एच से हो गया हिंदी सेवा, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। जी से हो गया गुणाकर मूल्य सम्मान, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। एफ से हो गया क्या? फादर कामिल गुल के सम्मान। एन से हो गया राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। और एस से हो गया राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्मान। ये 5 सम्मानों की स्थापना की गई थी कब? 2015 में। इन सबकी राशि क्या है? 1 लाख रुपए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं गुणाकर मूल्य सम्मान के बारे में। यहाँ हमें पता है ये मराठी थी, इनकी भाषा मराठी थी, पर ये हिंदी में लिखा करते थे, लेखनकार हिंदी में करते थे। अब देखिए, गुणाकर मूल्य सम्मान की स्थापना किसने की? संस्कृति विभाग ने। और कब की? ये हमने पढ़ चुके हैं, 2015 में। इसकी राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए। और यह किसे दिया जाता है? लेखक और साहित्यकारों को। साहित्यकारों को दिया जाता है। अब इसका क्षेत्र की बात कर लें तो इसका क्षेत्र यह है कि आपको हिंदी भाषा में लिखना है, और किसके लिए? विज्ञान और तकनीकी के लिए, या फिर विज्ञान और तकनीकी की पुस्तकें छपवाने के लिए लेखन, जो विज्ञान तकनीकी संबंधित पुस्तकें हैं उनको लेखन, उनका लेखनकार। इसमें योगदान हेतु क्या दिया जाता है? गुणाकर मूल्य सम्मान। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रथम प्रथम किसे दिया? डॉक्टर पुरुषोत्तम को दिया गया, जो कि कहाँ के थे? भोपाल के थे। अब उसके बाद किसे दिया गया? हरिओम को दिया गया, हरिमोहन। दूसरा कौन थे? श्री हरिमोहन, जो कि कहाँ से? आगरा से। यह क्वेश्चन बन सकता है, यूपी के थे, क्योंकि बाकी सब एमपी के, सभी भोपाल के। उसके बाद 2017 के लिए किसे दिया गया? सुखचंद्र दुबे, भोपाल के थे। और 2018 में वर्तमान में सबसे अंतिम दिया गया प्रोफेसर कपूरमल जैन को, जो कि कहाँ के थे? भोपाल के थे। इस तरह हमारा गुणाकर मूल्य सम्मान समाप्त होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापना 2015 में हुई। या किसे दिया जाता है? लेखक और साहित्यकारों को। राशि कितनी? 1 लाख रुपए। नगद राशि व प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है 1 लाख रुपए के साथ। क्षेत्र कौन सा? हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के लिए लेखन। पाठ्य पुस्तकों के लिए कौन सी? वो भी विज्ञान और तकनीक संबंधित हो। और प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर पुरुषोत्तम भट्ट चक्रवर्ती, जो कि कहाँ के? भोपाल के। 2016 के लिए किसे दिया गया? श्री हरिमोहन
क्योंकि कहाँ के, आगरा यूपी के, एकमात्र यूपी के पर्सन को मिला, बाकी तीनों मध्य प्रदेश के, और वो भी भोपाल में। 2017 के लिए डॉक्टर शिवचंद दुबे, और 2018 के लिए प्रोफेसर कपूरमल जैन, जो कि अंतिम बार दिया गया। इस तरह हमारा राष्ट्रीय गुणांकन मूल्य सम्मान समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए सम्मान के साथ। धन्यवाद।